नमस्कार दोस्तों। तो पिछले से भी उससे पहले इंडिया पे लॉन्च हुआ था पोको X3 नाम का ये जो स्मार्टफोन, जो कि 16 या फिर 17,000 पे बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन था। ये भी कह सकते आज के दिन में भी मेरे ख्याल से टॉप 3 बेस्ट स्मार्टफोन के लिस्ट में ये पोको X3 आ जाता है। लेकिन अभी एक्चुअली ऐसा सिचुएशन है कि पोको X4 कब आएगा इसके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन पोको X4 प्रो आने वाला है जिसका स्पेसिफिकेशन एग्जैक्टली इस पोको X3 का ही अपग्रेडेड वर्जन होगा। मतलब ये चीज मत समझना कि पिछले साल जो लॉन्च हुआ था पोको X3 Pro उसका अपग्रेड वर्जन होगा पोको X4 Pro, ऐसा नहीं। पिछले साल नहीं, उससे पहले जो लॉन्च हुआ था पोको X3 मतलब ये जो स्मार्टफोन, एक्चुअली इसका ही अपग्रेड वर्जन होने वाला है पोको X4 Pro और प्राइस भी होगा बहुत ही सही। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्यों मैं आपको कह रहा हूं कि जो पोको X4 जो स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है प्राइस पॉइंट का बेस्ट ऑलराउंड वाला स्मार्टफोन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त का। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट्स चैनल पे नए हैं और ऐसे स्मार्टफोन रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेट्स चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहले तो हम बात करेंगे इसके डिजाइन के बारे में। आप देखिए ये जो पोको X4 Pro ये ऑलरेडी बाहर के देश में लॉन्च हो चुका है, मतलब इसका जो डिजाइन पीछे से दिखने में एग्जैक्टली ऐसा होगा। तो इस स्मार्टफोन का थिकनेस है 8.12 मिलीमीटर और इसका वेट है 202 ग्राम। डिस्प्ले के मामले में इसमें मिलेगा 6.67 इंच फुल एचडी प्लस 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले, जिसके साथ आपको मिलेगा 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट। इसका मैक्सिमम स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होगा 91%। इसके डिस्प्ले में आपको मिलेगा गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, HDR 10 का सर्टिफिकेशन और इसका जो डिस्प्ले इसका मैक्सिमम ब्राइटनेस आपको मिलेगा 1200 nits। मतलब घुमा फिरा के यही चीज कह सकते इसका डिस्प्ले नंबर 1 है, मतलब कोई कमी आपको नहीं मिलेगा अकॉर्डिंग टू प्राइस पॉइंट। प्रोसेसर की अगर बात करें, अभी इस प्राइस पॉइंट का सबसे पॉपुलर प्रोसेसर मतलब स्नैपड्रैगन 695 वही इसमें आपको देखने को मिलेगा और उसके साथ पोको का अपना कूलिंग सिस्टम जिसे हम कहेंगे लिक्विड कूल 2.0 वो भी आपको मिलेगा। कैमरे की अगर बात करें इसमें एक्चुअली एक सरप्राइज है, क्योंकि देखिए जो पोको X4 Pro वाला जो स्मार्टफोन जो यूरोप के मार्केट में रिसेंटली लॉन्च हुआ है उसका प्राइस तो है 20,000 के आसपास, क्योंकि उसमें आपको 108 मेगापिक्सल मेन कैमरा मिल रहा है। लेकिन ये जो नया वाला स्मार्टफोन आने वाला है ये टोटली इंडिया के लिए थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि इसमें आपको 64 मेगापिक्सल मेन सेंसर मिलेगा, मतलब 64, 8 और 2 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, उसके साथ 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको मिलेगा। ये जो स्मार्टफोन काजर की टोटल 3 वेरिएंट पे आएगा, 6 120 GB, 8 120 GB और 8 256 GB, टोटल 3 वेरिएंट पे आएगा। इसका रैम का क्वालिटी होगा LPDDR4X और इसका मेमोरी का क्वालिटी होगा UFS 2.2 और उसके साथ आपको हाइब्रिड कार स्लॉट का ऑप्शन मिलेगा। बैटरी अगर बात करें आपको इसे मिलेगा 5000 mAh बैटरी, उसके साथ 67 वाट का चार्जर और जो कनेक्टिविटी वो आपको मिलेगा USB Type-C। अगर इसके ऑडियो के बारे में बात करें इसमें आपको मिलेगा डुअल स्टेडियो स्पीकर का ऑप्शन विद हाई रेस ऑडियो का सर्टिफिकेशन। तो अगर हम इसके कुछ बाकी फीचर की अगर बात करें तो आपको इसे मिलेगा 3.5mm जैक, IP53 का वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, IR ब्लास्टर, ये सभी फीचर आपको देखने को मिलेगा। तो अब जो सबसे मेन चीज, ये जो पोको X4 Pro कब लॉन्च होने वाला है, किस प्राइस पर में लॉन्च होने वाला है, तो मेरे सोर्स की तरफ से ऐसा मालूम चला है 22 मार्च ये जो स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। देखिए ये जो 22 मार्च जो लॉन्च होने वाला है अभी तक फ्लिपकार्ट में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, ये बस मेरे सोर्स की तरफ से मालूम है कि 22 मार्च लॉन्च होने वाला है। और अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें तो देखिए अभी तक मुझे ऐसे ही मालूम चला है इसका जो 6 120 GB वाला वर्षन वो इंडिया पे लॉन्च होगा 18,000 पे, 8 120 GB वाला वर्षन वो इंडिया पे लॉन्च होगा 20,000 पे और जो 8 256 GB वाला वर्षन वो इंडिया पे लॉन्च होगा 22,000 पे। तो अभी हर वीडियो के जैसे इस वीडियो में आपको कहूंगा क्या ये जो स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। अब देखिए अभी मैं इस स्मार्टफोन को पिछले वाले कोई भी एडिशन के साथ कंपेयर नहीं करूंगा, कंपेयर मैं बाद में करूंगा, पहले मैं आपको कहूंगा अभी मार्केट में जो अवेलेबल है क्या उससे बेटर है या फिर नहीं। अब देखिए अगर आप अभी 18,000 रुपए पे देखेंगे आपके पास क्या क्या होगा, Vivo T1 5G, Galaxy F23 5G, Realme 9 5G और उसके साथ Poco M4 Pro 5G, ये टोटल 4 बढ़िया 5G स्मार्टफोन मिलेगा। लेकिन इसमें से कोई भी स्मार्टफोन एक ऑलराउंड वाला स्मार्टफोन उसके साथ एक 5G स्मार्टफोन नहीं है। अब देखिए हमेशा मैंने आपको यही चीज कहा है कि आज के दिन में अगर आप 5G स्मार्टफोन को लेने जाएंगे तो कुछ चीजों में आपको कमी देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्ले आपको मिलेगा एमोलेड डिस्प्ले, कैमरा थोड़ा सा कम मिलेगा, सिंगल स्पीकर मिलेगा, मतलब ये सब कुछ प्रॉब्लम आपको मिलेगा। लेकिन ये जो Poco X4 Pro जो लॉन्च होने वाला
18,000 के आसपास। ये एक्चुअली प्राइस पॉइंट का वन एंड ओनली ऐसा स्मार्टफोन होगा जो कि पहली बात तो 5G होगा, उसके साथ सुपर एमोलेड 120Hz वो भी 6.7 इंच वाला एक बढ़िया डिस्प्ले होगा। मतलब 5G होने के साथ इसमें आपको बेस्ट क्वालिटी का डिस्प्ले कॉम्बिनेशन मिलेगा। उसके बाद इस प्राइस पॉइंट में अभी जो भी 5G स्मार्टफोन है सभी के सभी में आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। और मैंने हमेशा आपको कहा है कि ये जो 50 मेगापिक्सल सेंसर है टोटली बेकार सेंसर है, अगर 64 होता तो एकदम बढ़िया रहता। तो ये जो पोको का स्मार्टफोन उसमें आपको 64 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा। बैटरी अगर बात करें सभी में आपको 5000mAh मिल रहा है, लेकिन इसमें आपको 67W का चार्जर मिलेगा जो कि इस प्राइस रेंज में कोई भी कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा। उसके अलावा अगर स्पीकर की बारे में बात करें सभी के सभी 5G स्मार्टफोन इसमें आपको मिलेगा बस सिंगल स्पीकर, लेकिन पोको की इस अपकमिंग 5G स्मार्टफोन में आपको मिलेगा डुअल स्पीकर। मतलब मैं जो कहना चाहता था आपको समझ में आ गया होगा। प्राइस पॉइंट का मतलब इस 18 से 20 हज़ार रुपए के अंदर बेस्ट ऑलराउंड 5G स्मार्टफोन होने वाला है ये पोको X4 प्रो वाला स्मार्टफोन। मतलब ये स्मार्टफोन लॉन्च होने के बाद जब आप मुझे पूछेंगे कि प्राइस पॉइंट का बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा होगा, मैं कहूंगा पोको X4 प्रो। अगर मुझे कहेंगे कि बेस्ट 5G स्मार्टफोन कौन सा होगा तो भी मैं कहूंगा पोको X4 प्रो। मतलब पोको X4 प्रो डेफिनेटली बढ़िया होगा। लेकिन जो सबसे मेन चीज, मेरे पास है पोको X3, शायद आप में से बहुत लोगों के पास होगा पोको X प्रो। अगर आपके पास बहुत स्मार्टफोन है तो क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए? आप देखिए, पहले मैंने सोचा था कि मैं पोको X3 से पोको X4 प्रो में अपग्रेड करूंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं अपग्रेड नहीं करूंगा। पहला रीजन, ये स्मार्टफोन मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि इसमें आपको 6000mAh बैटरी मिल रहा था, लेकिन जो नया वाला स्मार्टफोन उसमें आपको 5000mAh बैटरी मिल रहा है। पुराने पे आपको मिल रहा था 33W का चार्जर, नए वाले पे आपको मिल रहा है 67W का चार्जर। मतलब देखिए, बैटरी में डिक्रीज, चार्जिंग में इंक्रीज, मतलब इसमें इक्वल। डिस्प्ले की अगर बात करें, पुराने वाले डिस्प्ले में आपको मिल रहा था फुल एचडी प्लस 120Hz लेकिन IPS डिस्प्ले, नया वाले जो डिस्प्ले उसमें आपको सुपर एमोलेड मिल रहा है जो कि बहुत ही बढ़िया। कैमरे की अगर बात करें एग्जैक्टली पिछले बार के जैसा, पिछले बार आपको मिल रहा था 64-13-2 का बैक कैमरा, इस बार आपको मिल रहा है 64-8-2 का कैमरा, मतलब कैमरा में एग्जैक्टली सेम। और इसके अलावा अगर हम बाकी चीजों के बारे में बात करें, पिछले बार आपको मिला था स्नैपड्रैगन 732G, इस बार आपको मिल रहा है स्नैपड्रैगन 695, एक बहुत ही मेजर अपग्रेड। पिछले बार आपको मिला था LPDDR4S का रैम, UFS 2.2 का स्टोरेज, इस बार भी आपको सेम। तो मतलब एक चीज देखिए, एक्चुअली आपको अपग्रेड मिल रहा है डिस्प्ले क्वालिटी में, प्रोसेसर क्वालिटी में, और उसके साथ चार्जिंग क्वालिटी में आपको अपग्रेड मिल रहा है। लेकिन अगर हम डाउनग्रेड के बारे में बात करें, इसमें आपको वीडियोग्राफी क्वालिटी में डाउनग्रेड मिलेगा। तो एक रीजन की वजह से अगर मैं मेरा ओपिनियन दूं तो मैं अभी भी नहीं चाहूंगा कि पोको X3 वाले स्मार्टफोन को अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि एक स्मार्टफोन के अंदर मुझे 4K फोटोग्राफी बहुत ही ज्यादा जरूरत होता है। अब 4K फोटोग्राफी मैं नॉर्मल वीडियो के लिए इस्तेमाल नहीं करता, जब भी मैं कोई प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग करता हूं तो दूसरा कैमरा के लिए मैं उस 4K वीडियोग्राफी को इस्तेमाल करता हूं। तो ये जो नया वाला स्नैपड्रैगन 695, इसका जो ISP वो किसी भी हालत में 4K वीडियोग्राफी को सपोर्ट नहीं करता। और उसके अलावा इसमें आपको जो ज्यादा मतलब 6000mAh बैटरी नहीं मिल रहा है, सिर्फ यही दोनों रीजन की वजह से मैं चाहूंगा कि पोको X3 से पोको X3 प्रो में मैं अपग्रेड नहीं करूंगा। तो अभी आप मुझे जो कुछ मैं जरूर बताना कि जो पोको X4 प्रो जो लॉन्च होने वाला है, वैसे तो प्राइस पॉइंट का बेस्ट ऑलराउंड अल्टीमेट वाला 5G स्मार्टफोन होने वाला है, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी पोको X3 या फिर X3 प्रो है, कि आप उसके साथ इस नए वाले पोको X4 प्रो में अपग्रेड करना चाहेंगे या फिर नहीं, इसके बारे में मुझे कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।